बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 25,000 के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने कोर्ट से शालिग्राम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शालिग्राम को जमानत दी है। शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था। पुलिस ने SC ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिग्राम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। अदालत में ग्राउंड रखा गया कि जो वीडियो बताया गया है उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा, वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती।